तो दोस्तों बिहार सरकार की ओर से एक और वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि टोटल पद जो है 3000 पदों पर एक बम्पर भर्ती आई है, जिसका आवेदन भी शुरू हो चुका है। तो बिहार सरकार नई भर्ती जिसका नोटिस भी जारी कर दिया गया है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ये रहा नोटिफिकेशन जो दिया गया। आपको बता दें ये 3 जुलाई के पेपर यानी कि तो आज के पेपर में प्रभात खबर में, दैनिक भास्कर पेपर में, दोनों पेपर में इसके बारे में दिया गया है। आपको बता दें है क्या वैकेंसी जो है, कौन कौन सा पद है, वो सारी बात मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपको बता दें कि बिहार सरकार के बिहार पुलिस मुख्यालय कर्मी एवं कल्याण सूचना यहाँ पे बताया गया है, यानी कि वैकेंसी के बारे में बताया गया है, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या इतना इतना दिनांक 10/7/2015 के वर्णित प्रावधानों के आलोक में पुलिस पदाधिकारी तथा बताया गया है कि सहायक अवर निरीक्षक पद के बारे में यहाँ बताया गया है। सहायक अवर निरीक्षक पुलिस अवर निरीक्षक एवं पुलिस निरीक्षक के पदोन्नति कोटा के निम्नांकित रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु पुलिस कर्मियों उप कोटि के सेवावृत्त पुलिस पदाधिकारी से संग्रहण आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। तो आपको बता दें कि ये जो है कौन कौन सा आवेदन करेगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि उससे पहले कि जो पद के बारे में यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पर पद के बारे में दिया गया है सहायक अवर निरीक्षक का, तो कितना टोटल सीट है, 1200 पद है इसमें, किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है, वो सारी यहाँ पे बताया गया है। वही पुलिस निरीक्षक का जो है गया पुलिस अवर निरीक्षक का, तो पुलिस अवर निरीक्षक के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है कैटेगरी वाइज कितना कितना सीट है। और ये रहा पुलिस निरीक्षक का 2500, तो इसमें भी कैटेगरी बताया गया है पुलिस निरीक्षक का कितना पद है, किस कैटेगरी में, वो सारी बात बताई गई है। तो आपको बता दें तो यहाँ पर बताया गया है कि 12/7/2022 तक निश्चित रूप से बिहार पुलिस मुख्यालय पटना में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तो इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया, किसी भी आवेदन पत्र को स्वीकार अस्वीकार करने का बताया गया है कि अधिकार समक्ष नियोजन पदाधिकारी को होगा, आवेदक का नियोजन संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। तो यहाँ रहा विस्तृत जानकारी के लिए statebihar.gov.in/PRD-Bihar पर देखा जा सकता है। आपको बता दें आवेदकों को बताया गया है कि के द्वारा अपने पत्र जो गया आवेदन पत्र अपने जिला इकाई कार्यालय जहां से आवेदन सेवानिवृत्ति हुए है में समर्पित किया जाना है। यानी कि ये वैकेंसी जो है फ्रेशर के लिए नहीं है, जो रिटायर पर्सन हैं उन लोगों के लिए है। तो बताया गया जहां से सेवानिवृत्त हुए हैं वहां पे समर्पित किया जाना है। बताया गया कि अपेक्षित होगा और संबंधित जिला इकाई कार्यालय प्रावधान प्राप्त आवेदकों को बताया गया कि समेकित रूप से पदों को विगत 5 वर्षों के बताया गया कि चरित्री अभियुक्ति के साथ साथ आवेदक के विगत 5 वर्षों का बताया गया कि 5 वर्षों की कार्यों की समीक्षा कर बताया गया है अपने अनुशंसा सहित प्रस्ताव दिनांक यहां पे बताया गया है। तो इस डेट तक जहां पे रिटायर हुए उस कार्यालय में जिस जिले में वहां पे आपको जमा करना होगा। और भी चीज़ इसके बारे में दिया गया है तो जो आपको पेपर में देख लीजिएगा, या फिर इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है उस ग्रुप में इसको भेज दिया गया, आप इसे पढ़ लीजिएगा क्या क्या बताया गया है इसके बारे में। तो दोस्तों यही है न्यूज़ नोटिस जो आज के पेपर से निकल के आ रही थी, तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।